हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 7, जिसमें हम लोग रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के आगे के कॉन्सेप्ट्स आज पढ़ेंगे। तो लेक्चर 6 के अंदर बच्चों जो है इस टॉपिक को हमने स्टार्ट किया था रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, और वहां पर हमने देखा कि एक तो बिना कुछ डेरिवेशन स्टार्ट किए हुए, बिना कोई फॉर्मूला जाने हुए, बस जो कॉन्सेप्ट हमारे पास है उसी कॉन्सेप्ट से क्या ये जो फॉर्मूला डेराइव करके लाएंगे ऐसा ही लिख सकते हैं क्या? तो हमने देखा कि बिना डेरिवेशन, बिना प्रूफ किए कैसे हम लोग लिख सकते हैं ना, समझ करके अच्छे से, और उसके बाद फिर हमने प्रूफ किया, फिर देखे दोनों सही आंसर आ रहा है, यानी कि ठीक समझा हुआ था, है ना। तो एक तो वो सब कॉन्सेप्ट देखे, डेरिवेशन प्रूफ्स वगैरह हुआ, फिर हमने देखा कि रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल जो है एक रिजल्ट के रूप में आया, -dv = E·dr। इस पर बेस्ड पांच टाइप के ही टोटल सवाल फ्रेम होते हैं, वो पांचों टाइप यहाँ ये हैं, है ना। पिछले लेक्चर में भी हम लोग इसको देखे थे, जिसमें टाइप 1 और टाइप 2 जो है ये हमने पढ़ा पिछले लेक्चर में, यानी लेक्चर नंबर 6, ठीक है। और आज पढ़ने जा रहे हैं टाइप 3, टाइप 4 और टाइप 5 आज पढ़ेंगे हम लोग लेक्चर नंबर 7, ताकि जो है अच्छे से क्लैरिटी हो कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। टाइप 1 टाइप 2 क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है हमें, टाइप 1 में क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, डीवी। फिर टाइप 2 में इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ था हमें, पोटेंशियल एट ए पॉइंट निकालना है। तो कैसे जो है ना एक पॉइंट को हटाते हैं, दो तरह से सवाल फ्रेम किया जाता है, वो दोनों हमने यहां पर देखा, ठीक है। आज पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से दिया हुआ लेकिन यूनिफॉर्म है, यानी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सब कॉन्स्टेंट अगर हो तो कैसे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है। टाइप 4 में क्या होगा? पलटेगा। अब ये नहीं दिया रहेगा, टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 में ना ये दिया हुआ था, ये निकालते थे, अब पलटेगा, अब ये दिया हुआ रहेगा, हमें ये निकालना होगा। यानी कि पोटेंशियल दिया हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो दो तरह के सवाल बनते हैं, एक डिफरेंशिएशन पर बेस्ड और एक पार्शियल डिफरेंशिएशन पर बेस्ड। कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जहां पर इन सारे टाइप से सवाल नहीं पूछा जाता होगा हर साल, मतलब कि अगर आना है सवाल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के रिलेशन पर बेस्ड, तो यहां पांच टाइप में से सवाल बच्चों आना ही आना है, कोई नहीं रोक सकता है। नेक्स्ट देखो, टाइप 5 में हम लोग पढ़ेंगे कि ग्राफिकल बेस्ड सवाल को कैसे बनाया जाता है, तो इसको आप अच्छे से लिख लीजिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर टाइप नंबर 3 से, ठीक है। तो ये रहा टाइप 3, देखते हैं कि क्या है। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स व्हेन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन है, तब क्या? तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा कॉन्स्टेंट। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन क्या है? दोनों क्या है? कॉन्स्टेंट, ठीक। देखते हैं, देखो दो डायरेक्शन में क्या करना है, व्हेन ई डी आर मेक्स एन एंगल थीटा, और एक है व्हेन ई इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तब बताओ कि क्या। चलो देखते हैं, ये क्या है भाई? डीवी माइनस डीवी इक्वल टू ई डॉट क्या है? डी आर हो गया। जब इंटीग्रेट बच्चों करेंगे, देखो है ना, ऐसे इंटीग्रेट करेंगे, हमें निकालना क्या? फाइंड पोटेंशियल का डिफरेंस, ठीक है। तो बोलते हैं कि ये है लेट आर ए, तो यहां पर पोटेंशियल है वी ए, चले गए आर बी पर तो पोटेंशियल हो गया वी बी। डायग्राम तो सब पता ही है कि है ना क्या हो रहा है। तो ये कैसे निकलेगा? देखो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे ऐसे, लेकिन माइनस लगा हुआ है तो इधर से हो जाएगा, यानी ये आंसर देता है वी ए माइनस वी बी, इधर तो ठीक ठाक है। ये क्या करें, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड भी कॉन्स्टेंट है, डायरेक्शन भी कॉन्स्टेंट है, तो इंटीग्रेशन के अंदर कोई चीज अगर कॉन्स्टेंट है तो उसको हम किधर ले लें? बाहर। तो करते क्या है, देखो डॉट प्रोडक्ट के साथ है, पहले इसको खोलना पड़ेगा, ऐसे कैसे बाहर ले लेंगे, उसका डॉट बेचारा कहाँ रहेगा ये तो बेवफा हो जाएगा, इसको आप छोड़ दोगे अकेले, ठीक। तो पहले करते हैं क्या, ई डी आर कॉस थीटा होगा, यानी ई कॉस थीटा इंटू क्या हो गया? डी आर। अब इंटीग्रेशन करना है, तो ये पूरा जो पैरामीटर है, देखो कॉस थीटा भी क्या होता है बच्चों? कॉन्स्टेंट ही तो होता है, कॉस थीटा का कोई वैल्यू क्या होगा? कॉन्स्टेंट। यानी ये पूरा हो गया कॉन्स्टेंट, इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? बाहर। तो इंटीग्रेशन होगा कि सिर्फ किसका? डी आर। तो आर ए से चले जाना है आर बी तक, तो भैया वी ए माइनस वी बी जो होगा, ई कॉस थीटा आ गया बाहर, इंटीग्रेशन सिर्फ डिस्प्लेसमेंट का आर ए से लेकर के आर बी तक। और डिस्प्लेसमेंट डी आर होता क्या है? तो e cos थीटा आ गया बाहर जो भी है, और dr ये हो जाएगा rb माइनस क्या है? r a, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो इस तरह से जो है ना हम लोग निकालते हैं, va माइनस vb इक्वल टू ऐसा। अच्छा इसको देखो जरा, जब दोनों मेक्स एन एंगल थीटा, जरा यहां पर अगर एक डायग्राम अगर बनाए कि भाई dr इधर है, बहुत अच्छा से समझना, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, अगर समझ लोगे ना तो न्यूमेरिकल थोड़ा जल्दी बनाओगे, है ना, थोड़ा फीलिंग यहाँ पर जनरेट कर रहा। लेट दोनों के बीच का एंगल थीटा है, हमको पता है कि भाई
चार्ज को डिस्प्लेस कर रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। भाई इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस नहीं बचो, उसको घसकाएंगे जिधर, वही तो डीआर हो गया ना। तो चार्ज को लेके जा रहे हैं तो ये डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी और तरफ है एट एनी एंगल, तो हम करें क्या? बोले भाई जिधर चार्ज को लेके जा रहे उधर को इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या? बिल्कुल है। देखो ना, इसका एक कॉम्पोनेंट है ई कॉस ऑफ क्या है, थीटा। और जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उधर पोटेंशियल घटता है। तो बोलते हैं कि लेट मान लो लेते हैं ये है ए और ये वाला मान लेते हैं बी, तो ये कैसा होगा? हाई पोटेंशियल होगा और ये कैसा होगा? लो पोटेंशियल होगा। ठीक ठाक है, हाई पोटेंशियल ये हो गया वी ए और ये हो जाएगा वी बी। जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना उधर पोटेंशियल घटता है, यानी कि वी ए इस क्या हो गया ग्रेटर देन क्या है वी बी। अब ठीक ठाक है, तो क्या बोलेंगे, एक डायरेक्शन हो गया डी आर का, उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड ई कॉस थीटा है, उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड ई कॉस थीटा है, उधर ही डी आर है। ठीक है, मतलब ए से लेकर के बी तक गए हैं, दो रुपया से पाँच रुपया गए हैं, तो बताओ कितना गए? तो पाँच में से दो माइनस कर दो, तीन रुपया गए हैं। ठीक ठाक है, यानी डिस्प्लेसमेंट भी इधर, इसी डायरेक्शन में कौन इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई कॉस थीटा। तो रिजल्ट क्या बतलाता है, वी ए माइनस वी बी आएगा ऐसा। अच्छा, वी ए माइनस वी बी, यानी कि जबरदस्त चीज आ गया। वी ए कैसा है भाई, हाई पोटेंशियल, और वी बी कैसा है, लो पोटेंशियल। तो हम लोग डायरेक्ट बोलेंगे बच्चों, हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल इक्वल टू, हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल इक्वल टू कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई कॉस थीटा, और किधर जा रहे हैं वो डी आर। तो देखो आर बी माइनस आर ए करोगे, मान लो ये दो मीटर पर खड़ा हो और आप चले गए पांच मीटर पर, कितना चले गए, पांच मीटर पर चले गए। तो भाई आर ए है कितना, देखो दो मीटर पर, आर बी कितना है पांच मीटर पर। तो अगर फाइनल आर बी माइनस आर ए अगर करना होगा तो पांच में से दो माइनस करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा, तीन मीटर। यानी फाइनली आप गए कितना भाई, तीन मीटर। तो ये बहुत अच्छा हो गया, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टेंट अगर होगा, आप जिधर डिस्प्लेस कर रहे हो, आप जिधर जा रहे हो डी आर, उसी डायरेक्शन में भी ए भी बी है, पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कोई और डायरेक्शन में अगर है ना, तो उसका कंपोनेंट निकालो जिधर आप जा रहे हो, ये लाइन लिख लो हिंदी में, कसम से जिंदगी बड़ी अच्छा गुजरेगा। बच्चों बहुत सारा सवाल आता है, आप जिधर जा रहे हो उधर ही पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, हाई माइनस लो लिखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर और अगर होगा तो उसका कॉम्पोनेंट निकाल लो जिधर आप जा रहे हो, ये हिंदी लिख लो, लिख ही लो। चलो अब आते हैं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में होगा तो भाई उसी डायरेक्शन में अगर होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, डीआर भी अगर इधर है, अगर डीआर भी इधर है तो यानी कि थीटा इक्वल टू कितना आ गया, जीरो डिग्री। तो देखो ये है ए, ये है बी, तो भैया ये है वी ए, ये है वी बी, तो ये कैसा हो गया बच्चों, हाई, और ये कैसा हो गया, लो पोटेंशियल। हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, यानी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में हो तो कंपोनेंट लेने की ज़रूरत ही नहीं है भैया, सीधे सीधी हो गया। तो क्या हम करें, जो मेरे पास रिजल्ट आया हुआ है इसी रिजल्ट को यूज़ करके पुट थीटा इक्वल टू जीरो डिग्री, पुट थीटा इक्वल टू जीरो डिग्री, तो मेरे पास देखो रिजल्ट आंसर क्या आएगा, वी ए माइनस वी बी जो जाओगे हाई माइनस लो विल बी इक्वल टू ई कॉस जीरो डिग्री इन टू हो जाएगा आर बी माइनस आर ए, यानी कि ई कॉस जीरो मतलब कितना होता है ई इंटू आर बी माइनस आर ए, यानी यहाँ कोई कंपोनेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, जिधर हम जाएंगे उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, डोंट टेक एनी कंपोनेंट, जिधर हम जा रहे हैं उधर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट ले लो, वो ई कॉस थीटा आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, सवाल कराता हूँ जरा सा, देखिए फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट बिटवीन द प्लेट्स। एक प्लेट है इस तरह से, देखो प्लेट ऐसा होता है ना, ऐसा प्लेट होता है, ठीक, तो ऐसा एक प्लेट इस तरह से रखा हुआ है और इस पर कितना है 100 वोल्ट। एक प्लेट उसी तरह से नीचे है और वो अर्थिंग किया हुआ है, तो कभी भी अगर अर्थिंग किया हुआ रहता है ना बच्चों, अर्थिंग अगर हो मतलब कुछ कनेक्शन अगर अर्थ से हो तो उसका पोटेंशियल हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। और इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के ही अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन पढ़ाते वक्त बताए थे कि जब भी पृथ्वी से कोई तार कनेक्ट कर देते तो होता क्या है, इनफाइनाइट इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होता है पृथ्वी के पास, आता है धड़ाक से उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, पोटेंशियल हो जाता है क्या, जीरो। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन प्रोसेस, यूट्यूब में टाइप करना बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन,
फिजिक्स लिंक्स, ठीक है, वो वीडियो आ जाएगा, देखना उसको। तो अर्थ से कभी कनेक्ट करते हैं ना, तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ का पोटेंशियल है कितना, जीरो, और ये 100 वोल्ट है, तो VA इक्वल टू 100 वोल्ट हो गया। तो भाई ये है 100 वोल्ट, ये जीरो, तो ये कैसा है, ये है हाई पोटेंशियल, और ये कैसा है, दिस इज लो पोटेंशियल। अभी हम जाने हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता किधर है। तो एक प्लेट है इसे, एक प्लेट है इसे, ये है हाई वोल्ट, ये है लो वोल्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है, हाई से लो की तरफ होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड हाई से लो की तरफ होता है, यानी कि पता चल गया कि हाई से लो की तरफ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो बिटवीन द प्लेट्स कहीं भी निकालो, ऐसे हो गया, तो डायरेक्शन पता चल गया कि ए प्लेट से बी की तरफ होगा। मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो भाई जो भी है बच्चों, ये है कैसा, कांस्टेंट। कैसा है, कांस्टेंट, देखो जरा, प्लेट है, प्लेट, वहां से पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, सब कैसा होगा, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो कांस्टेंट बताओ कैसे निकालो, जैसे ही कांस्टेंट आता है, तो अभी हम देखें कि जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ऐसे, क्या इसी डायरेक्शन में डिस्टेंस भी है क्या, तो डिस्टेंस भी तो ऐसे ही है, हाई से लो के तरफ। तो डी आर देखो ऐसे है, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस दे के रखा है, तो हम डायरेक्ट यूज क्या करें, हियर ई एंड डी आर इन द सेम डायरेक्शन, आर इन द सेम डायरेक्शन, और ई कैसा है, यूनिफॉर्म कांस्टेंट। तो हम डायरेक्ट यूज करें, क्या होता है भैया, हाई माइनस लो इक्वल टू ई इंटू आर बी माइनस आर ए, आर बी माइनस क्या है, आर ए, यानी कि कितना डिस्प्लेसमेंट है, अभी कितना पर है, 0 सेंटीमीटर पर चले गए, कितना इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना गए, 2 सेंटीमीटर। देखो कैसे यूज करेंगे, ये कैसा होता है हाई, ये कैसा होता है लो। देखो रिजल्ट, हाई है 100 वोल्ट, माइनस लो है 0 वोल्ट, उधर ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कितना है हमको नहीं पता, और टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ कितना, तो यहाँ से हाई से जाना है किधर, लो के तरफ, कितना गए, 2 सेंटीमीटर। तो बोले ना फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो 2, तो ये है कितना, 2 सेंटीमीटर, आंसर आ गया, बस हो गया, इतना ही है। तो क्या कर दे, 100 इक्वल टू हो जाएगा ई इंटू 2 सेंटीमीटर, मतलब 2/100 यूनिट में कन्वर्ट करें ऐसा यूनिट में, तो 100 इंटू 100 बटे 2 इक्वल टू हो जाएगा ई, 2 काटेंगे तो ये हो गया 50, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है 50, और 2 जीरो है, यानी कि 5000 वोल्ट पर मीटर। इसमें न्यूटन पर कूलम नहीं यूज करा, वोल्ट पर मीटर, ताकि पता चले अच्छा एक और यूनिट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है ये, ठीक है। अब आते इधर देखो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 10 वोल्ट पर मीटर है इलेक्ट्रिक फील्ड, देख लो यूनिफॉर्म है एक डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट, डायरेक्शन भी कांस्टेंट। फाइंड वी ए माइनस वी बी, तो एक ट्राइंगल हमें बना के दे दिया है, कभी ट्राइंगल दे देता है, कभी स्क्वायर दे देता है, स्क्वायर वाला डीपीपी के अंदर डाल दूंगा, ट्राइंगल यहां बता दे रहा हूं, क्योंकि दोनों बड़ी हाईलाइटेड सवाल है पूछा हुआ सब। तो ए पॉइंट यहां है, बी पॉइंट यहां है, और सी पॉइंट यहां है, हमसे पूछता है कि वी ए माइनस वी बी क्या होगा। तो बच्चों गौर करके देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर होता है ना, तो कोई भी अगर पॉइंट यहाँ है, थोड़ा सा इधर घसक करके अगर होगा, तो हमें पता है कि भैया ये हाई होता है, ये लो होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। देखो जरा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये है बी पॉइंट, देख लो यहाँ, थोड़ा सा आगे जाएंगे तब है ए, और थोड़ा सा और आगे जाएंगे तब है सी, यानी कि ए एंड बी में अगर कंपेरिजन करें किसका पोटेंशियल हाई है और किसका पोटेंशियल लो है, सोचो किसका पोटेंशियल हाई है, किसका पोटेंशियल लो है। तो बोले भाई हाई कौन है, ये हो जाएगा, क्योंकि इधर से घटता है पोटेंशियल, घटता है, तो वी बी जो है विल बी क्या, हाई, वी ए हो जाएगा लो। तो हम लोग देखो, पूछा है वी ए माइनस वी बी, कोई बात नहीं, हम जो पढ़ करके आए हैं वो करते हैं, क्या पढ़ें, हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल इक्वल टू जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है इन जनरल, ई कॉस थीटा आई इंटू आर बी माइनस आर ए, आर बी माइनस क्या है आर ए, और ये वाला क्या है, हाई पोटेंशियल है वी ए, क्या है बच्चों, वी ए से चले जा, नहीं रहने दो, जो भी है कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, बस बाकी ठीक ठाक है। देख इसको मैं रिलेट करता हूँ, जो भी हाई से लो के तरफ हमें जाना है, हाई से लो के तरफ, ये कैसा है भाई, ये है हाई, ये कैसा है लो, यानी कि हम जाएंगे बच्चों इधर, किधर जाएंगे, हाई से लो के तरफ जाएंगे, तो डी आर का जो डायरेक्शन हो गया वो इधर हो गया, ठीक ठाक है, डायरेक्शन किधर हो गया, इधर, हम इधर जा रहे हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, ये देखो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ये मेरा फॉर्मूला है, ठीक है, आर बी आर ए जो है
मैं जो है ना, ये आप लोग बच्चों कंफ्यूज मत होना कि सर ए बी क्योंकि यहाँ पर ए बी दिया हुआ, और हम लोग जो ए बी पढ़ के आए कैसे पढ़े, वी ए माइनस वी बी, ये जो था क्या था, देखो हम लोग जो पढ़ के आए ये हाई था ये लो, है ना हमारा जो है फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा यहाँ देखते हैं, ये है हाई, ये है लो, तो हम जा रहे हैं हाई से लो के तरफ लेके जा रहे हैं। क्या मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है क्या? है क्या? नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? इस डायरेक्शन में। यानी हम बोले अच्छा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। ओ कितना एंगल पर है? तो बोले कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, टू टू टू, यानी कि होगा एंगल सब कितना, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। तो हम करें क्या? तो बोले भाई अगर किसी और डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हो ना, तो उसका कंपोनेंट ले लो जिधर आप जा रहे हो, और हम जाते किधर है, हाई से लो के तरफ। बड़ी अच्छा, इसमें कोई कंफ्यूजन है, कितना भी ए बी सी डी कुछ लिख दे क्या फर्क पड़ता है, अपना कॉन्सेप्ट मजबूत करके रखिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट हम इधर ले लेंगे, कितना आ जाएगा, ई कॉस ऑफ क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। अब देखो हम लोग अरेंज कैसे करेंगे, हाई माइनस लो, तो ये मेरे लिए ये है बच्चों, ये तो फॉर्मूला हो गया जो है, ये क्या हो गया, फॉर्मूला बाई कॉन्सेप्ट जो है, ठीक। अब हम लिखेंगे कैसे, तो वी बी हाई माइनस लो, यानी कि वी ए इक्वल टू ई कॉस थीटा, यानी डी आर इधर है, ई इधर है, दोनों के बीच, तो ई कॉस कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। और आर बी माइनस आर ए मतलब होता है कि हम यहाँ से वहाँ जा रहे, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 2, क्योंकि यहाँ से जाना है यहाँ तक, तो टोटल डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर, तो 2 मीटर लिख दो, बस कहानी हो गया बच्चों, खत्म। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है ना। ई कितना है, 10, तो ये 10 कॉस 60 कितना होगा, हाफ, और ये हो जाएगा कितना, 2। ये है वी बी माइनस क्या है, वी ए। ये कैसे लिख रहा हूं, अकॉर्डिंग टू डायग्राम, अकॉर्डिंग टू डायग्राम। ये कंफ्यूज मत नहीं होना है कि सर आपने यहां वी ए लिखा, वी बी लिखा, फिर आप वी बी भी ए। ये है बाई फॉर्मूला जो हमने पीछे पढ़ के लाया, वहां से समझे कि हाई माइनस लो के तरफ हम जाएंगे, तो भैया चले जाओ हाई से लो के तरफ, हो गया खत्म। तो ये 2-2 चला गया, ये आ रहा 10 वोल्ट वी बी माइनस वी ए। लेकिन सवाल में हमसे पूछा था कि वी ए माइनस वी बी क्या होगा, तो भाई पलट दो उसको, तो एक माइनस साइन यहाँ लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट, है ना। ये हमारा आंसर वी बी माइनस वी आई 10, तो एक पलट दो माइनस, या दोनों तरफ माइनस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा वी ए माइनस वी बी, ये हो जाएगा माइनस 10 वोल्ट। ऑप्शन में बच्चों दोनों रहेगा, 10 और माइनस 10, तो वो सब कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए कि हाई माइनस लो के तरफ जाओ, डी आर उधर ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड देखो मेरे तरफ ही है क्या, ये कहीं और तरफ है, तो उसका कंपोनेंट ले लो ना इधर, बस खत्म। ये हो गया, चलिए अब देखते हैं वी बी माइनस वी सी कैसे निकालेंगे। भाई ये है वी बी, ये है वी सी, तो बी यहाँ है, सी यहाँ है, भाई ये हाई होगा, ये होगा लो, क्योंकि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए देखते हैं, बी पार्ट का जो है वी बी माइनस वी सी जो है ना हमसे पूछा है, तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हाई माइनस लो के तरफ जाओ, यानी पहले फॉर्मूला लिखता हूँ, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, वी ए माइनस वी बी इक्वल टू है ई कॉस थीटा इन टू है आर बी माइनस आर ए, आर बी माइनस आर ए, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू डायग्राम, डायग्राम में देखो मेरा क्या है भाई, हाई कौन है, हाई है ये, लो कौन है ये, तो वी बी माइनस वी सी, यानी हम इधर जाएंगे, तो देखो वी बी माइनस वी सी हम जाएंगे इधर, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है इधर, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है क्या, है इधर है, इधर है, तो बहुत अच्छी बात है। तो थीटा कितना हो गया, 0, थीटा कितना हो गया बच्चों, 0, तो ये हो गया ई कॉस कितना डिग्री, 0 डिग्री, आई इन टू कितना टोटल डिस्प्लेसमेंट गए, 2 मीटर। इसमें तो कोई प्लस माइनस करने की जरूरत ही नहीं होता, बस आंसर आ गया। हमसे पूछ भी रहा है वी बी माइनस वी सी, वी बी माइनस वी सी है भी, E का वैल्यू कितना है, 10, तो यहां ले लेंगे 10, कॉस 0 है 1 और ये 2, यानी कि ये 20 वोल्ट आ जाएगा, वी बी माइनस कितना, वी सी। तो दिस इज कैसा, दिस इज हाई, दिस इज कैसा, दिस इज लो, ये हाई लो उधर जाना है, ये करना, ये कब हम कॉन्सेप्ट यूज किए हैं, कब कॉन्सेप्ट यूज किए हैं, जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो तब, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट टाइप 4। क्या है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन पोटेंशियल इज गिवन, ठीक है। अब देखते हैं, देखो जरा क्या
हमें अब पहली बार बच्चों आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालना है। अच्छा, पोटेंशियल दिया हुआ है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा कैसे, पहले इसको फ्री तो करें। तो ये फ्री होगा कैसे, देखो इन जनरल एक्सप्रेशन तो ये है माइनस डी वी इक्वल टू ई डॉट डी आर, तो बोलते हैं कि भाई इसको फ्री होगा कैसे, ई डी आर कॉस ऑफ थीटा। हुआ क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड फ्री हो गया है ना, अब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अच्छा, तो देखो कैसे सेटिंग करते हैं एसी में, तो ये हो जाएगा, ऐसा करते हैं e cos थीटा को एक साथ रख देते हैं ऐसे और dr कर देते हैं अलग, ठीक है। होगा क्या, ये आ गया इधर माइनस dv बटे dr और इधर आ गया कितना, देखो e cos ऑफ क्या है थीटा, क्या आ गया e cos थीटा माइनस dv बटे dr, क्योंकि पता चलता है कि विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस हम जाते जाते हैं एक डायरेक्शन में, और उसी डायरेक्शन में पोटेंशियल घटते जाता है और उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अच्छा, ये कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई, e cos थीटा, पहले मीनिंग समझ लेना बच्चों कि क्या है, लिख लो इतना दूर तक। हाँ, e cos थीटा क्या है, तो अगर हम बोले कि मान लो दिस इज x एक्सिस और दिस इज क्या है y एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं है, 2D में समझते हैं, 3D में एक्सटेंड कर देंगे उसको, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरा इधर, ये है थीटा, ठीक है। हम करते क्या है, चलो पहले ये देखता हूँ कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का जिधर थीटा सटा हुआ है बच्चों, अगर हम उधर करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो क्या आएगा, ई कॉस थीटा इधर आ जाएगा, और इस डायरेक्शन में निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ई साइन ऑफ थीटा, है ना। पहले समझते हैं कि क्या आया ई कॉस थीटा, तो व्हाट इज ई कॉस थीटा, ये कभी भी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हो ही नहीं सकता है, क्योंकि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, उसका कोई ना कोई कॉम्पोनेंट ही तो होगा ई कॉस थीटा या ई साइन थीटा। सो व्हाट इज दिस, दिस इज नॉट टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज ऑलवेज द क्या, कॉम्पोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या है ये, इट इज नेवर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, कभी भी ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, बट इट इज एक्चुअली द कॉम्पोनेंट ऑफ क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका क्या है, कॉम्पोनेंट है ये। ये जो शुरू में पहला जो ये बताएं बच्चों, क्या सर क्या कॉम्पोनेंट कर रहे हो, ये देखो डी आर इधर था, फोर्स इधर लगा रहे थे, हम जाते हैं डी आर के तरफ तो देखते हैं क्या मेरा जो फोर्स इसी डायरेक्शन में है क्या, नहीं, किसी और डायरेक्शन में, कोई बात नहीं, तो उसका कंपोनेंट निकाल लेते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जो कि वर्क डन दे देता है। यानी समझ में आ रहा होगा कि अच्छा जिधर हम जा रहे हैं उधर कौन सा फोर्स है, एफ कॉस थीटा। अच्छा, इसका मतलब कि जिधर हम जा रहे हैं ना वो कंपोनेंट है, वही बात लिखे हैं। ये क्या है, जिधर हम जा रहे हैं पोटेंशियल घट रहा है तो कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है भैया, वो ऑलवेज क्या होता है इन जनरल में, कॉम्पोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और कॉम्पोनेंट ई कॉस थीटा भी है, ई साइन थीटा भी है, ई कॉस थीटा का नाम बोल दो ई एक्स, ई साइन थीटा का नाम बोल देते हैं क्या है ई वाई। अब देखो बच्चों की कैसे यहां समझते हैं, एक एक करके बताता हूं। हम जा रहे हैं एक्स एक्सिस के तरफ, किधर जा रहे हैं एक्स एक्सिस के तरफ, ये है पॉइंट ए, हम गए इधर पॉइंट कहाँ बी तक, तो कैसे जा रहे हैं बताओ जरा, डी एक्स जा रहे हैं एक्स एक्सिस के तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है कहीं और तरफ है, लेटिट भी कितना एंगल पर है, थीटा पर है, तभी ई कॉस थीटा का मतलब आपको समझा रहा हूँ। तो इसका एक कॉम्पोनेंट निकालेंगे धड़ाक से इधर, तो ये आ जाएगा कितना, ई कॉस ऑफ थीटा, जो कि मेरे लिए क्या बन गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कॉम्पोनेंट है, है ना, क्योंकि मेरे डिस्प्लेसमेंट से थीटा एंगल पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, कंपोनेंट गिरा दिए। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है ex, तो भैया x डायरेक्शन में ही हम जा रहे हैं तो पोटेंशियल डिक्रीज कर गया, तो इसको आप लिखोगे कैसे, कैसे लिखोगे कि देखो x तरफ dx जब हम जा रहे हैं ना तो पोटेंशियल घट जा रहा है, घट गया पोटेंशियल, भैया कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड था इधर, x कंपोनेंट, जिसको कि हम लोग क्या लिख सकते हैं ex। देखो मेरे लिए क्या हो गया बच्चों फॉर्मूला, ताकि समझ में आए ना, ये dr जब हटता है तो dx कैसे हो गया, ये ex कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया, तो ये दिस इज वन नंबर, ठीक है। अच्छा, फिर से दूसरा मान लो कि अब हम y एक्सिस तरफ जा रहे हैं, किधर जा रहे, दिस इज वाई एक्सिस, हम है पॉइंट ए पर जा रहे हैं, dy करते करते चले गए पॉइंट बी पर, कैसे गए, dy करते करते, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, किसी और डायरेक्शन में है, तो है ठीक है रहने दो, भैया कितना एंगल पर है, मेरे डिस्प्लेसमेंट से थीटा एंगल पर है, तो हम बोलेंगे देखो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई कॉम्पोनेंट है मेरे तरफ जिधर हम जा रहे हैं, बिल्कुल है, दिख रहा है, देखो ई कॉस थीटा, तो बोले इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका कंपोनेंट निकाल दो, ई कॉस थीटा हो गया, जो कि क्या आ गया,
वाई कॉम्पोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसको हम रिप्लेस क्या चीज से कर देंगे, ई वाई से। हैंस देखो बोलेंगे कैसे, बच्चों बोलो हिंदी में लिखो, कुछ फॉर्मूला लिखा जाएगा। डी वाई जाएंगे वाई एक्सिस में जा रहे हैं, पोटेंशियल घटा क्या, बिल्कुल घटा, माइनस डी वी, क्यों, क्योंकि इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड था, वो था ई कॉस थीटा, जिसको कि हम लोग क्या कह सकते हैं, ई वाई। और ये देखो गौर करके, ये ई कॉस थीटा है, ये गौर करके देखो क्या है, ई कॉस थीटा, ऐसा ही करके जैसे एक्स में समझाएं वाई में समझाएं और जेड में सिमिलरली हो जाता है। ठीक है, बढ़िया से पता चला कि कंपोनेंट का मतलब क्या होता है। अच्छा अब बच्चों देखो क्या है, एक चीज है कि भाई मेरे पास जो रिजल्ट के रूप में आया है ना, वो आया है एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो माइनस डीवी बटे डी एक्स। ठीक है, अब मैथमेटिक्स आपको बताऊंगा, सिमिलरली वाई में और सिमिलरली क्या है भाई जेड में, माइनस इसको लिख ही देता हूं, डी वाई इतना माइनस डी वी बटे कितना है डी जेड, ये इस तरह से आया है। तो कहने का मतलब क्या है, अब मैथमेटिक्स में चलते हैं, वी दिया हुआ रहेगा, उसको डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन द एक्स डायरेक्शन निकल जाएगा, बहुत आसान है ना। अब वी कैसे कैसे दिया रह सकता है, अगर सिर्फ x पर हो तो x के रूप में डिफरेंशिएट कर देना तो डायरेक्ट निकल गया, सिर्फ y पर डिपेंड करे यानी सिंगल वेरिएबल पर डिपेंड करे तो डिफरेंशिएट कर देना निकल जाएगा, z में रहे तो डिफरेंशिएट कर देना निकल जाएगा। ठीक है, तो जो आसान है पहले उसको देखते हैं, आओ पोटेंशियल दिया हुआ रहेगा, उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है। पोटेंशियल कैसे रहेगा बच्चों, सिंगल वेरिएबल, यानी सिंगल वेरिएबल का मतलब है कि अगर पोटेंशियल इज ए फंक्शन ऑफ x, तो हाउ टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो भैया माइनस डी वी, एक्स पर डिपेंड करा ना तो एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना, हमेशा ये कॉम्पोनेंट बतलावेगा क्योंकि मीनिंग हमको पता है कि किधर जाते हैं तो क्या है। यही है समझंती विद्या, डायरेक्ट अगर फॉर्मूला लिख दूँ ना तो आपको लगे हाँ मैथमेटिक्स से डिफरेंशिएट करेंगे आंसर आएगा, लेकिन जिस दिन उसके साथ फीलिंग अटैच होता है ना तो दूसरे तरह से ये चीज़ दिखता है। हम जा रहे हैं चार्ज को इधर लेकर के, पोटेंशियल घटता है क्योंकि उस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई ना कोई कॉम्पोनेंट है, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उधर पोटेंशियल घटता है, और कहानी एक कहानी जैसा दिखता है। ऐसे पढ़ो बच्चों ऐसे, हाँ तब मज़ा आएगा, भूल भी जाओगे तो टेंशन नहीं, वो चार्ज को लेकर के दौड़ जाएंगे कहीं रोड पर, तो ये क्या आ जाएगा, वाई पर डिपेंड करेगा तो माइनस डी वी बटे डी वाई। सिमिलरली अगर वी जो है फंक्शन ऑफ अगर जेड होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जेड कॉम्पोनेंट आएगा, माइनस डी वी बटे कितना डी जेड। सवाल करके बताता हूँ, ये टाइप मतलब ये फर्स्ट वाला पे, ठीक है, सिंगल वेरिएबल पे। देखो सवाल पूछा हुआ है, हर एग्जाम में आया हुआ सवाल, गिवेन वी इक्वल टू कितना है, देखो 4x square, तो यहाँ पर मेरे लिए क्या है, पोटेंशियल इज ए फंक्शन ऑफ ओनली सिंगल वेरिएबल एक्स, बोलता है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट 2, 3, 4 इन दैट रीजन, तो बोले कि भाई तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, माइनस डी वी बटे डी एक्स हो जाएगा, यानी कि डिफरेंशिएशन यूज करते हैं, जो ये आएगा वो एक्स कॉम्पोनेंट ही आएगा, तो क्या करें, तो माइनस डी बटे डी एक्स, ये है कितना 4x square, बच्चों डिफरेंशिएट कर लो, कितना आ जाएगा माइनस 4 तो चला गया बाहर, डिफरेंशिएशन होने जा रहा है किसका, एक्स स्क्वायर का, तो माइनस 4 एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के ही रेस्पेक्ट में 2x होगा, यानी माइनस 8x आ गया, देख रहे हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड x कॉम्पोनेंट में आया। ऐसा बोल रहा है कि हमको इस पॉइंट पर बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो सिर्फ x पे डिपेंड करेगा, तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड x जो है ऐसे, बोला कौन सा पॉइंट पे, तो पॉइंट को ना ऐसे लिखते एट कितना पॉइंट, 2, 3, 4, ये जो डंटी दिखते हो ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट 2, 3 ऐसे, ठीक है, इस तरह से जो भी ये जो डंटी है ना, ठीक है, दिस लाइन मीन्स पता है क्या, एट, ठीक है, बस ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड एट कहाँ पर है ना, एट उसका मतलब होता है कि कहाँ पर है वो, तो माइनस 8 इंटू सिर्फ x पर डिपेंड करा तो सिर्फ x रख देंगे, x है कितना 2, तो ये 2 यहाँ रख दो तो माइनस कितना आ गया 16, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया माइनस 16 वोल्ट क्या हो जाएगा पर मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो आगे चलते हैं। अब बच्चों देखो क्या है, पोटेंशियल एक वेरिएबल पर ना डिपेंड करे, देख लो सवाल एक्स स्क्वायर वाई जेड, यानी कि मल्टीपल वेरिएबल पर डिपेंड करेगा, फिर हमसे पूछता है इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ इन दैट रीजन क्या, तो कैसे करेंगे, आओ कैसे करेंगे, ये देखो पोटेंशियल अगर मल्टीपल वेरिएबल पर डिपेंड करेगा, यानी पोटेंशियल डिपेंड कर रहा है किस पे, एक्स वाई और जेड पर, तीनों पे। हमको एक चीज पता चला कि भाई पोटेंशियल को जब भी डिफरेंशिएट करते हैं किसी के, जैसे बच्चों देखो क्या है भाई,
पोटेंशियल को जब डिफरेंशिएट करोगे, यानी चेंज होगा पोटेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो डिस्टेंस को एक स्टैंडर्ड डायरेक्शन तो लोगे, या तो एक्स या तो वाई या तो जेड, क्योंकि भाई जिस डायरेक्शन में हम डिफरेंशिएट करेंगे वो क्या है, एक आंसर आता है इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड इन जनरल तीन ही डायरेक्शन हो सकता है, ई एक्स, ई वाई और ई जेड, उन तीनों को मिला करके एक रिजल्टेंट है, ठीक है। तो गारंटीड या तो एक्स या तो वाई या तो जेड के रूप में निकालना पड़ेगा। जब पोटेंशियल तीन वेरिएबल पर डिपेंड करे और हमसे बोले कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना एक्स कंपोनेंट कैसे निकलेगा, तो हम माइनस डी वी बटे डी एक्स जो है ना नहीं यूज करते हैं, यानी कि डिफरेंशिएशन इज नॉट यूज्ड हियर, डिफरेंशिएशन इज नॉट यूज्ड हियर, ठीक है। तब बोलते हैं बच्चों पता है क्या, हियर वी यूज पार्शियल डिफरेंशिएशन, हियर वी यूज पार्शियल डिफरेंशिएशन। अब आपको मीनिंग भी समझ में आएगा कि हम पार्शियल डिफरेंशिएशन क्यों यूज करते हैं। पोटेंशियल किसी रीजन में जो ना एक्स वाई जेड तीनों में डिपेंड कर रहा है, जरा समझना, देखो दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज क्या है जेड। पोटेंशियल ऐसा कुछ है एक्स स्क्वायर वाई जेड, भैया तीनों वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन हम तो जो उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें तो एक कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। तो इस साइड का अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है तो हम क्या करें, तो हम बोलेंगे भाई देखो पोटेंशियल बच्चों को एक पॉइंट ए लेंगे, हम जाएंगे कितना डीएक्स से डीएक्स से डीएक्स पहुंच जाएंगे कोई पॉइंट बी पर, तो पोटेंशियल जब कर जाएगा डिक्रीज विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस और यही दे देगा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। यानी क्या भाई, तुम तो तीन वेरिएबल पर डिपेंड कर रहे हो, एक्स वाई और जेड पर डिपेंड करो सब तरफ, लेकिन यार हम तो कोई एक ही डायरेक्शन तो पहले निकालेंगे। तो बोलते हैं क्या, सुनिएगा, पोटेंशियल एक्स वाई जेड पर डिपेंड किया, लेकिन हमको उसका चेंज निकालना है पोटेंशियल का, कि एक्स में तुम कैसे चेंज कर रहे हो। तो जब हम एक्स में चेंज कर रहे हैं, एक्स को देख रहे हैं, तो इसका मतलब वाई जेड को नहीं देख रहे हैं, हमें किसको निकालना है, सिर्फ एक्स में बताओ कि पोटेंशियल कैसे चेंज कर रहा है। तो यानी कि जब भी हम ये काम करेंगे बच्चों, इसको डिफरेंशिएट करेंगे ना विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो वाई जेड को क्या रखेंगे पता है, कॉन्स्टेंट रखेंगे, वाई जेड को पैरामीटर्स को क्या कर देंगे, कॉन्स्टेंट। और जब हम वाई में अगर देख रहे होंगे डी वाई जाएंगे, पोटेंशियल किस रेट से घट रहा है, तो भैया किधर, वाई में ही तो पोटेंशियल घटेगा ना। तो जिस समय आप वाई में पोटेंशियल देखोगे घट रहा है, उस समय एक्स और जेड पैरामीटर क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट, क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट। यही होता है कि पार्शियली यू आर डिफरेंशिएटिंग दिस, दिस डिपेंड्स अपॉन थ्री वेरिएबल्स, लेकिन एट ए टाइम हम बस एक्स में देख रहे हैं कि क्या पोटेंशियल चेंज कर रहा है, बस इतने से हमें मतलब है, वाई जेड नहीं देख रहे हैं, ठीक है। जब वाई को देखते हैं, यानी यू आर पार्शियली देख रहे हो, सो हम लोग पार्शियली चेंज निकालते हैं, सो हम लोग उसको बोलते हैं पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ना कि फुल डिफरेंशिएशन, ठीक है। इसीलिए हम लोग यूज करते हैं बच्चों अलग चीज, क्या लिखने का तरीका हमारा बदल जाता है, कि अगर आप एक्स कंपोनेंट देख रहे हो तो माइनस डेल बटे डेल एक्स कर देते हैं, और ये डेल ही है क्या, पार्शियल डिफरेंशिएशन। वर्क एनर्जी पावर वाला इसे उठा करके देखना ना, तो नीट और जेई मेंस का भी उदाहरण देकर के बताए थे कि जो है ना कि कैसे क्या है नहीं है, लेकिन कोई नहीं, चलो आप इधर से ही समझ गए तो बढ़िया है। सिमिलरली अगर वाई कंपोनेंट अगर निकाल रहे हो तो आप पार्शियली वाई में देखो कि क्या चेंज कर रहा है पोटेंशियल, बस वाई में, जेड और एक्स क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो इसका मतलब है क्या, जब आप सिर्फ एक्स में निकालोगे बच्चों, तो हियर वाई एंड जेड जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। जब आप वाई में निकालोगे तो बाकी जो भी पैरामीटर्स है एक्स एंड जेड, ये सब क्या हो जाएगा पता है, कांस्टेंट हो जाएगा। सिमिलरली ई जेड भी उसी तरह से, सवाल करके देखें जो हम लोग देख रहे थे वो, देखो जरा कैसे करेंगे। v इक्वल टू दे के रखा है मेरे को कितना, एक्स स्क्वायर वाई जेड इन ए रीजन, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट इतना इन दैट रीजन। तो बोले कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, देखो इन जनरल होता क्या बच्चों, ई एक्स आई कैप, ई वाई जे कैप और ई जेड के कैप, लेकिन एट ए टाइम अगर हम एक्स का निकालेंगे, ये तीन वेरिएबल पर डिपेंड करा, तो इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियली डिफरेंशिएट करो क्या विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो देखो कैसे लिखेंगे, इसका मतलब माइनस डेल बटे डेल एक्स, वी है कितना एक्स स्क्वायर वाई जेड। तो जब एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो वाई जेड क्या है, कॉन्स्टेंट, और हमको पता है कॉन्स्टेंट डिफरेंशिएट, कॉन्स्टेंट जो है वो डिफरेंशिएशन में क्या आ जाएगा, बाहर,
वाई जेड जो है ना आ जाएगा बच्चों किधर, बाहर देखो माइनस था, वाई जेड कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया। तो सिर्फ और सिर्फ हमारा डिफरेंशिएशन किसको करना होगा, एक्स स्क्वायर को। ये जो डेल लिखते हैं ना टेढ़ा, है डिफरेंशिएशन ही, बस नाम पार्शियल डिफरेंशिएशन है कि बस जो है ना बाकी पैरामीटर्स को आप नहीं देख रहे, उसको बाहर कर दो और इसको तोड़ दो, यानी डिफरेंशिएशन ही कर दो। ठीक है, आएगा क्या, माइनस वाई जेड और एक्स स्क्वायर का ये कितना हो जाएगा 2x, कितना हो जाएगा 2x, तो दिस बिकम्स द x कॉम्पोनेंट ऑफ ये, यानी x कॉम्पोनेंट आ कितना जाएगा 2 है, तो माइनस 2xy और कॉनिकल इस तरह से लिखो ताकि सॉरी पता चले कि ये z है, क्या पता चले बच्चों z है। ठीक है, तो ex निकल गया। सिमिलरली ey कैसे निकालेंगे, ey तो माइनस डेल वी बटे डेल वाई, माइनस डेल बटे डेल वाई, वी क्या है एक्स स्क्वायर वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई जेड, तो बोलेंगे वाई के रेस्पेक्ट में करें तो बाकी सब कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, तो बाहर निकालो, तो माइनस देखो एक्स स्क्वायर और जेड किधर चला गया बाहर, तो डिफरेंशिएशन करना किसका है मेरे को, सिर्फ और सिर्फ वाई का, तो वाई का वाई के रेस्पेक्ट क्या हो जाएगा वन, यानी कि ई वाई कॉम्पोनेंट आ गया कितना एक्स स्क्वायर जेड। ठीक है, ये हो गया। चलो आगे ई जेड, ई जेड कितना है भाई, तो माइनस डेल वी डिवाइडेड बाई डेल जेड, तो माइनस डेल बटे डेल जेड, वी क्या है, वी है एक्स स्क्वायर वाई जेड। अब तो बहुत आसान लग रहा होगा, जेड के रेस्पेक्ट में करना है तो बाकी सब कॉन्स्टेंट भाई बाहर आ जाओ, तो एक्स स्क्वायर वाई कॉन्स्टेंट हो गया, डेल बटे डेल जेड, जेड जेड के रेस्पेक्ट में वन, यानी माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो गया वाई, तो सब कॉम्पोनेंट ऑफ देखो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया, एक्स कॉम्पोनेंट वाई कॉम्पोनेंट जेड कॉम्पोनेंट। हमसे बोला क्या है, हमसे बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर बताओ कि क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या हुआ, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कॉम्पोनेंट्स हमें पता है कितना कितना आया है आंसर, ई एक्स इक्वल टू माइनस टू एक्स वाई जेड है ना सर, देख लेते हैं सारा कुछ है ना, माइनस टू एक्स वाई जेड। तो बच्चों वन टू थ्री पॉइंट पर बोलेगा निकालने के लिए, तो वो पॉइंट पुट कर दो ई एक्स कि उस पॉइंट पर ई एक्स कॉम्पोनेंट होगा क्या, तो माइनस टू एक्स वाई जेड है, ई वाई है माइनस एक्स स्क्वायर जेड, कितना है माइनस एक्स स्क्वायर जेड, यह है ई वाई। ठीक उसी तरह से ई जेड कितना है, वाई है, तो अच्छा मैं देख ही लेता हूं कितना आया है, माइनस एक्स स्क्वायर वाई है, है दोनों सेम है क्या, एक्स स्क्वायर जेड है, वाई में क्या है जेड है, वाई में क्या है जेड, वाई में है जेड। तो सारे पैरामीटर्स निकाल लिए, हमको चाहिए कहां एट 1, 2, 3, इसका मतलब बच्चों क्या है कि ex निकालो एट 1, 2, 3, तो ex एट 1, 2, 3 बताओ कि क्या होगा, तो देखिए कैसे निकालेंगे, 2xyz का वैल्यूज रख दो, तो ये है 1, 2, 3, तो कितना आ जाएगा 3 × 6 × 12, यानी कि 12 आंसर आया ये, ऐसे करके निकालते हैं। ठीक है, सिमिलरली माइनस ey निकालेंगे 1, 2, 3 पर, तो माइनस एक्स स्क्वायर है, एक्स कितना है 1 का स्क्वायर, z कितना है 3, तो ये हो जाएगा यानी कि माइनस 3, z कितना है 3। ठीक उसी तरह से ये है निकालना 1, 2, 3 पर, तो माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स कितना है मेरा 1, तो ये 1 का स्क्वायर हो गया, y कितना है 2, तो ये 2 यानी कि माइनस 2 आंसर हो गया। देयरफॉर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा कैसे, ई एक्स आई कैप ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप, हेंस ई एक्स कितना है भाई माइनस 12, तो माइनस 12 आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 2 के कैप, दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट यहाँ पर। और मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो रूट अंडर माइनस 12 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो वो मैग्नीट्यूड भी निकल जाएगा। तो ये रहा सवाल बनाने का बच्चों तरीका। ठीक है, अब आते हैं देखो जरा टाइप नंबर 5, ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेज डिस्टेंस या पोटेंशियल वर्सेज डिस्टेंस कैसे बनाया जाए। तो देखो बड़ा सिंपल, माइनस डी वी इक्वल टू है ई डी आर, इन जनरल डायरेक्ट एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। देखो जरा क्या, जब भी ग्राफ अगर बनाना हो ना, देखो इस तरह से इक्वल टू माइनस डी वी बटे डी आर करके, माइनस डी वी बटे डी आर, ये बिल्कुल वही है। क्या है कि भाई एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, क्या है एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, और यहीं से बच्चों डी वी इक्वल टू अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए डी टी डी टी डी टी, क्या कुछ याद आया क्लास 11th याद आया,
ये क्या है वेलोसिटी और ये क्या बच्चों टाइम, तो ये क्या बन गया स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। मतलब कि ना बोले ना इलेवेंथ समझो कि पढ़ रहे हैं, वेलोसिटी टाइम ये ना पोटेंशियल जैसा फील ना आए, मैं तो गड़बड़ हो जाएगा। ये क्लास इलेवेंथ है, कौन सा क्लास है, क्लास इलेवेंथ है, डी वी बटे डी टी, तो डी वी इक्वल टू ए डी टी। कभी भी कुछ बटे कुछ होता है तो स्लोप, स्लोप का मतलब होता है टेन थीटा, परपेंडिकुलर बटे बेस। तो वेलोसिटी टाइम का ग्राफ बना हुआ हो उसमें अगर स्लोप निकालेंगे ना तो वो हमें क्या दे देता है एक्सेलरेशन। अच्छा डी वी इक्वल टू ए डी टी, यानी कि ए और डी टी अगर कहीं हो, यानी कि कुछ गुना कुछ अगर है तो ये क्या देता है एरिया अंडर ग्राफ। तो एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ग्राफ ये क्या देता है एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिव्स क्या दे देगा चेंज इन वेलोसिटी। एकदम फॉर्मूला जैसे है वही, देखो यहां पर इसी को मैं कोरिलेट करता हूं, मेरे पास अभी आया हुआ है ई इक्वल टू माइनस डी वी बटे डी आर, डी आर डी आर कुछ समझ में आ रहा होगा, देखो एकदम सिमिलर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप देता है ये। अच्छा यहां पर पोटेंशियल और डिस्टेंस का जो स्लोप होगा, पोटेंशियल डिस्टेंस जो ग्राफ होगा उसका जो स्लोप होगा नेगेटिव ऑफ स्लोप देगा क्या इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलोगे सर इस पे सवाल आता है, बिल्कुल आता है बच्चों, देखो क्या कह रहा हूं मैं कि ये क्या हो जाएगा कि स्लोप ऑफ पोटेंशियल डिस्टेंस, ठीक है देखो, तो बोले नेगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ, डिस्टेंस ग्राफ गिव्स क्या दे देगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हो गया, जैसे पहला ये तो पहला ये, दूसरा ये, तो देखो दूसरा देखते हैं कि क्या इसी को जस्ट, तो डी वी डी वी डी वी माइनस डी वी अगर करेंगे तो ई डी आर आ जाएगा, ई इंटू डी आर डी आर डी आर। तो कभी भी कोई चीज़ का अगर गुना होता है मतलब एरिया अंडर द ग्राफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इतना, तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब हो गया क्या एरिया अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस, एरिया अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस गिव्स देखो क्या देता है नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल, गिव्स नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल, नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल, नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल, एकदम जैसे है वो उधर वो ये इधर, ठीक है अब समझ में आया। चलिए देखते हैं कि कॉन्सेप्ट और सवाल के अंदर चलता हूं। एक होता है स्लोप कॉन्सेप्ट, स्लोप कॉन्सेप्ट में बच्चों देखो क्या हो गया यार, ये मिट जा थोड़ा सा ये देखो क्या वी आर है ना, देखो हमें सबसे पहले पढ़ना स्लोप इक्वल टू माइनस डी वी बटे डी आर है, यानी कि वी आर ग्राफ का जो स्लोप होगा ना ढलान वो देगा बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है देखते हैं कैसे। तो कोई भी लाइन ऐसा है तो भाई लेट कुछ थीटा एंगल पर इस तरह से है, तो इसका ढलान कैसे निकालते हैं, तो इस ग्राफ का जो ढलान होगा स्लोप, स्लोप होता है बच्चों टेन थीटा, ठीक है और टेन थीटा है क्या, देखो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, परपेंडिकुलर में है क्या कुछ पोटेंशियल है, तो कुछ यहाँ पोटेंशियल एक्चुअली ये जो निकलेगा चेंज इन पोटेंशियल, क्या निकलेगा चेंज इन पोटेंशियल, यानी समझो डेल्टा भी कुछ ना कुछ है, और ये परपेंडिकुलर हो गया, तो ये परपेंडिकुलर हो गया चेंज इन पोटेंशियल डिवाइडेड बाय यहां से यहां तक क्या है भाई डिस्टेंस, तो चेंज इन डिस्टेंस यानी कि डेल्टा वी बटे डेल्टा आर, या हमें सिर्फ समझना है बच्चों तो वी बटे आर, देखो वी बटे आर है क्या, तो जो भी इसका स्लोप देगा वो देगा वी बटे आर, उसमें हम लगा देंगे माइनस जो ये, ठीक है माइनस जैसे लगाएंगे दे देगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, यानी हो जाएगा क्या इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा माइनस लिख देंगे स्लोप ऑफ वी आर ग्राफ दे देगा। अभी सवाल करके बताता हूँ कि ठीक है कैसे हम लोग निकालेंगे, एकदम सिंपल सा, जो भी ग्राफ दे भैया उसका ढलान निकालो उसमें माइनस लगा दो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया स्लोप कॉन्सेप्ट, ठीक है। एरिया में देखो बच्चों क्या है, अब एरिया में हमको पता चल गया कि E इक्वल टू होता है माइनस डी वी बटे डी आर, तो डी माइनस डी वी इक्वल टू हो गया ई इंटू डी आर डी आर डी आर, यानी क्या इलेक्ट्रिक फील्ड और आर का जो एरिया अंडर द ग्राफ होगा वो देगा नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल। तो एरिया अंडर द ग्राफ देखो ई आर का ग्राफ, सवाल एकदम फिक्स होता है, या तो ऐसे दे देगा या रेक्टेंगल दे दिया या ट्रेपिजियम दे दिया, एरिया अंडर द ग्राफ निकालते क्या हो जाएगा ये जगह देखते हैं जरा, एरिया ऑफ ट्रायंगल बच्चों होगा क्या, ट्रायंगल का होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस है देखो क्या, बेस है आपका आर और हाइट क्या है वो है ई,
तो हमें ना सिर्फ पैरामीटर से मतलब होता है कि क्या, यानी ई इंटू आर आया, ई इंटू आर आया यानी कि एरिया अंडर द ग्राफ आ गया। तो भैया एरिया अंडर द ग्राफ क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ क्या आ जाएगा बच्चों, चेंज इन पोटेंशियल, क्या आ जाएगा, नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल दे देगा। बस इसका एरिया निकालो, जो भी आया उसको इक्वेट कर दो नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल। यहां देखते एरिया क्या है, रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ आई इंटू ब्रेथ यानी कि ई आई इंटू क्या हो गया आर, बस। तो जो भी निकला दिस विल गिव नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल। यहां देखो जरा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड कौन है, ये साइड और ये साइड। तो देखो यहां से यहां तक कुछ डिस्टेंस है, ये भी क्या है, कुछ डिस्टेंस है। तो भैया डिस्टेंस प्लस डिस्टेंस होगा क्या, डिस्टेंस ही होगा, है ना, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम यानी ये वैल्यू क्या है, इट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो ये क्या दे रहा है, ये जो भी है तो आर ही, डिस्टेंस आई इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि आपने एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकाल लो इस फॉर्मूला से, कुछ निकाले ना कुछ वैल्यू आएगा, वो जो भी वैल्यू आएगा वो है क्या, वो ई आर का प्रोडक्ट ही तो है, ई इंटू आर, और जो भी वो होगा इट विल गिव क्या, नेगेटिव ऑफ चेंज इन बच्चों क्या पोटेंशियल, नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल, ठीक। अच्छा देखो डीवी 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 हमेशा होता है फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, डीवी इक्वल टू, और अगर माइनस डीवी अगर बोल देंगे तो इसको पलट कर लिख दो, इनिशियल माइनस क्या है फाइनल, यानी कि एरिया अंडर द ग्राफ पर जो है ना सवाल जैसे आता है तो एरिया अंडर द ग्राफ हम निकाल लिए, वो दे देगा माइनस ऑफ डीवी, माइनस डीवी मतलब इनिशियल माइनस फाइनल। सवाल में देता है कि इनिशियल पोटेंशियल है मान लो 5 वोल्ट, फाइंड द फाइनल पोटेंशियल क्या होगा, और ये ग्राफ दे दिया, तो एरिया निकाल करके इसमें सेट कर दिया, आंसर आ गया एकदम। चलिए सवाल देखें, देखो क्या है, तुम जो आए ईआर ग्राफ दे के रखा है बच्चों, सॉरी अच्छा ड्रॉ ईआर ग्राफ, हमें वीआर ग्राफ दे के रखा है पोटेंशियल वर्सेस ये। तो जैसी वीआर ग्राफ दिया, ईआर बोला बनाने के लिए, भाई हम सबसे पहले करें क्या, ई इक्वल टू माइनस डीवी बटे डीआर होता है, ताकि हमको पता चले कि हमको स्लोप निकालना है कि एरिया निकालना है। दे के रखा है वीआर ग्राफ, यानी वीआर ग्राफ दे के रखा है, अच्छा तो हमको पता है कि वीआर ग्राफ का स्लोप निकालेंगे ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, तब इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेंगे, यानी स्लोप निकालना पड़ेगा, ढलान। तो भाई ढलान कैसे कैसे निकाले, तो बोले लेट है ये जीरो, यह ए, जीरो नहीं करते, ए बी सी डी करते, ए बी सी डी। बच्चों यहां से यहां तक अगर स्लोप निकाले तो देखो होगा क्या, ए टू बी में स्लोप निकालते हैं, तो स्लोप बराबर होगा क्या, स्लोप होता है टेन थीटा, तो टेन थीटा देखो क्या है, टेन थीटा यहाँ कुछ कर लो, तो दिस इज परपेंडिकुलर बटे बेस, परपेंडिकुलर कितना है 10 वोल्ट यानी कि 10, और बेस कितना यहाँ से, यहाँ दिस इज 2 मीटर, तो टोटल ये कितना आ गया देखो 5। हमने स्लोप निकाल लिया, स्लोप निकल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, नेगेटिव ऑफ स्लोप, यानी ए से बी तक, ए से बी तक जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हो जाएगा नेगेटिव ऑफ स्लोप, क्या हो जाएगा नेगेटिव ऑफ स्लोप, नेगेटिव स्लोप कितना है 5, कितना आया था ये 5, तो ये -5 हो गया, देखो ये हो गया -5 वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, कब, ए से लेकर के बी तक। इस तरह से ग्राफ ग्राफ को हम ट्रांसफॉर्म करते हैं। फिर बी से सी, तो बी से सी अगर जाए तो लाइन है ऐसे, तो टेन थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू जीरो है, देखो जो रहा है ना ऐसे हॉरिजॉन्टल कुछ इंक्लाइंड रहेगा तब तो थीटा होगा, तो यहाँ पर बोलेंगे भाई स्लोप कितना है, स्लोप है टेन 0 डिग्री, टेन 0 कितना होता है 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर होता है नेगेटिव ऑफ स्लोप, जब स्लोप ही नहीं है आंसर क्या आ गया 0, यानी कि बी से लेकर के सी के बीच में निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, यानी 2 मीटर से 4 मीटर तक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है 0, ठीक है। आगे निकालते हैं और क्या है आगे, सी से डी, तो सी से डी के बीच में अगर हम बोले स्लोप पहले निकालो, स्लोप होता क्या है टेन थीटा, तो बच्चों देखो कोई भी लाइन अगर ऐसे इंक्लाइंड हो तो पॉजिटिव स्लोप, और कोई लाइन अगर ऐसे इंक्लाइंड हो तो नेगेटिव स्लोप होता है। ये सब स्लोप कॉन्सेप्ट कब पढ़े, जो बायो के स्टूडेंट होंगे वो कैसे सोचेंगे यार क्या नेगेटिव क्या पॉजिटिव, तो बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स का लेक्चर नंबर 1 स्ट्रेट लाइन के बारे में और ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से बच्चों, है ना, ये कैसा है पॉजिटिव स्लोप, ये कैसा है नेगेटिव स्लोप देता है। तो स्लोप जो टेन थीटा निकालोगे, देखो जो रहा ग्रेटर देन जैसे 90 डिग्री है, तो जो भी ट्रायंगल दिख रहा है आप निकाल लो पहले से, टेन थीटा होगा क्या परपेंडिकुलर, यह है 10, बेस कितना होगा यहाँ से यहाँ तक में, तो 6 में से 4 माइनस कर दो, टोटल कितना मीटर है 2 मीटर है, तो यानी कि 10 बटे देखो 2 ही आएगा, लेकिन आपको -1 लगाना पड़ेगा,
क्योंकि इस लाइन का जो स्लोप है ना ऐसे 90 डिग्री से जब ग्रेटर होता है ना तो इसका स्लोप नेगेटिव होता है। तो जो भी एक्यूट में है वो हमने निकाल लिया, आप माइनस लगा दो ताकि पता चले स्लोप नेगेटिव है और इसका स्लोप क्या है पॉजिटिव। यहाँ देखो स्लोप क्या था पॉजिटिव प्लस 5, तो स्लोप हमने निकाला कितना आंसर आ रहा है माइनस 5। स्लोप निकल गया, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है नेगेटिव ऑफ स्लोप। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे नेगेटिव ऑफ स्लोप, यानी कि माइनस ऑफ माइनस 5, आंसर क्या आ जाएगा प्लस 5 वोल्ट पर मीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो कैसा वैल्यू आ रहा पता है, हर जगह पर कॉन्स्टेंट आ रहा है, माइनस 5 हो, 0 हो, प्लस 5 हो। तो हमको बनाना है इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ कैसे बनाएंगे, ए से बी, बी से सी और सी से डी के बीच में। तो देखो ग्राफ कैसे बनेगा, यह आर और यह इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। तो ए से बी, बी से सी और सी से डी, ठीक है। ए से बी के बीच में बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड कितना माइनस 5, माइनस 5 कैसा ग्राफ बनेगा कांस्टेंट, इस तरह से दिस इज माइनस 5, इट इज कांस्टेंट कहाँ तक, बी तक। बी से सी में आते हैं तो क्या है जीरो, जीरो का मतलब क्या, एक लाइन ऐसे डॉटेड डॉटेड बना दिए तो ये जीरो है, तो जीरो पर यहाँ पर ऐसे डार्क कर दो ताकि पता चले जीरो वैल्यू है, हो गया। अब सी से डी में क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस 5, तो भाई हम ऊपर चले गए और ये प्लस 5 है, ठीक है, ये ताकि पता चले कि ये वैल्यू कितना है प्लस 5 वोल्ट पर मीटर, ये भी कर दो माइनस 5 वोल्ट पर मीटर, माइनस 5 वोल्ट पर मीटर। तो ये हो गया क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या आया है इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ। ये बिल्कुल सेम है कि जैसे इस टाइप का ग्राफ आप बनाए होंगे एक्सेलरेशन टाइम वेलोसिटी टाइम, है ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उसको एक्सेलरेशन टाइम में कन्वर्ट करो, और ये अच्छी वर्मा का सवाल भी है वीटी को एटी में कन्वर्ट करो तो ये आंसर आता है, एकदम सेम, जस्ट एनालिसिस करने की ही बात है। तो उम्मीद है कि बच्चों अच्छा से समझ में आया होगा, तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, फिर कोई भी टाइप ऑफ न्यूमेरिकल जो है आपको दिक्कत नहीं देगा, चाहे आप कोई भी किताब उठा करके फिर से बनाओ, ठीक है, टेंशन नहीं, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, थैंक यू।